हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और उन साथियों को शेयर कर दीजिए जो साथी आपके द्वारा जुड़ते हैं। अगर हर एक साथी रोज़ हर एक मित्र को जोड़ेगा, हर दो से तीन मित्र को जोड़ेगा, तो आपका यह परिवार निरंतर बढ़ता चला जाएगा और हम और आप दोनों मिलकर इस परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ठीक है, हम अच्छे कंटेंट्स लाएंगे आपके लिए और आप हमारे लिए एक काम करेंगे, प्रकाश सर के लिए एक काम करेंगे और अंजलि मैम के लिए एक कार्य करेंगे। बस इसे शेयर करेंगे, दबाकर शेयर करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। दोस्तों, आप फ्री हो। कुछ बच्चे हैं जो अब क्या हो रहा है, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं व्यूज़ कम, या कारण भी बता सकते हैं आप? क्या आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं? अब आपका तो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स की घोषणा भी हो चुकी है ना, तो लग जाइए, ये सब सारे टॉपिक्स उसमें आएंगे। और आपके वहाँ पे मैथ और हिंदी भी स्टार्ट है, आप देखिए। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बेहद शानदार तरीके से, बेहद आसान तरीके से दो क्लास हमने किया था, है ना। उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल के बारे में। जैसे राष्ट्रपति होता है केंद्र का, केंद्र की कार्यपालिका की सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारा कल ये कार्यकारी की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, तो केंद्र का जो सबसे बड़ा अधिकारी, केंद्र का सबसे बड़ा जो शक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य का राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में भी राज्यपाल होता है। जैसे शक्ति उसकी वहाँ पे निहित होती है, उसी तरह राज्यपाल की भी शक्ति राज्यों में निहित होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। कहा जाता है राज्यपाल जो होते हैं वह केंद्र का नेतृत्व करते हैं, है ना, क्योंकि केंद्र के द्वारा ही हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, इनको चुना जाता है, हमारे राष्ट्रपति द्वारा इनको चुना जाता है। और शपथ इनके, मतलब कि हर एक राज्य में जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि राज्यों में जो सबसे बड़ा होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, है ना। अगर कार्यकारी के दृष्टि से देखा जाए, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, तो हर एक राज्य में राज्यपाल की पद जो होता है सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इसी जगह घुमा के पूछता है कि राज्य में जो वास्तविक हेड होता है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, जैसे केंद्र में होता था प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति, उसी तरह राज्यों में, हर एक राज्यों में जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति जो निहित होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर में होती है। ये चीज़ याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर यानी कि विधानमंडल यानी कि विधान परिषद के सलाह पर राज्यपाल उसी तरह काम करते हैं जैसे हमारे संसद के सलाह पर राष्ट्रपति किया करते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर जैसे कि हमारे राष्ट्रपति किया करते हैं, उसी तरह मंत्रिपरिषद जो हमारा राज्यों में होता है मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह पर राज्यपाल काम करते हैं। ये बातें यहाँ तक क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राज्यपाल हैं, तो जैसे राज्य की कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं, तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, कार्यपालिका एक उपासना जी हैं, उपासना जी, उपासना जी को नोट्स बनाना होता है, उपासना जी हैं। तो उपासना जी कहती हैं सर लिख दिया करिए। बेटा देखिए, हम लिखते तो हैं उतना, लेकिन एक एक वर्ड लिखना संभव है ना, एक एक वर्ड नहीं लिखा जा सकता, आप इस बात को मानिए। और थोड़ा सा अगर अपने से सुनकर नोट्स बनाएंगे ना, कुछ छूट रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर कुछ छूट रहा है तो आपको लग रहा है सर एक बार और सुन लेंगे अगर वीडियो को तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, तो आप एक बार और सुनिए उस वीडियो को। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आप अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर कर पाओगे अपने किसी भी एग्जाम्स के लिए, आप अच्छे तरीके से एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप 2 से 3 बार सुनिए, ज़रूरत की चीज़ें हम लिख दिया करते हैं, जैसे सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आप इसे भी नोट करते रहिए। देखिए, राज्य की कार्यपालिका इसमें होते हैं 4 मेंबर, 4 मेंबर याद रखेंगे, जैसे राज्यपाल, राज्यपाल, इसके बाद जो वास्तविक शक्ति होती है हमारे सीएम के पास, यानी हमारा सीएम प्राइम क्या बोलते हैं इसको, जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास, जो तीसरा होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो विधान परिषद होता है उसमें स्थित सारे मंत्रीगण मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। इसके बाद जो चौथा होता है दोस्तों, हम आपको बताएंगे, इन सब पे हम एक एक वीडियो लाएंगे। अभी हम केंद्र के बारे में, केंद्र के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, फिर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे केंद्र में, या राज्य में राज्यपाल पढ़ लिए, फिर सीएम पढ़ेंगे,
फिर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अटॉर्नी जनरल जैसे केंद्र में होते हैं उसी तरह यहाँ पर होते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इन सब के बारे में, राज्यपाल के बारे में तभी हम सब सारे अनुच्छेद के साथ इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और सीएम की वीडियो जो आएगी नेक्स्ट में आ जाएगी, ठीक है ना, हम इसको ला देंगे अच्छे तरीके से। और मंत्रिपरिषद, आपको चाहे मंत्रिपरिषद राज्य का बता दिया जाए चाहे केंद्र का बता दिया जाए, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, कंडीशन और रूल्स रेगुलेशन सब सेम होता है। यह हम एक बताएंगे चाहे केंद्र का चाहे राज्य का, आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं। और ये महाधिवक्ता सर क्या है? महाधिवक्ता दोस्तों, जैसे राज्य में अटॉर्नी जनरल, सॉरी केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल इस समय हमारे के वेणुगोपाल जी थे ना, कौन है, तो अटॉर्नी जनरल जैसे केंद्र में होते हैं दोस्तों, केंद्र में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसमें शायद पोस्ट चेंज हुआ है अटॉर्नी जनरल का, आप लोग बताएंगे, नहीं कैग का चेंज हुआ है, मुर्मू जी आए हैं ना, अटॉर्नी जनरल वही है हमारे। तो अटॉर्नी जनरल जो है दोस्तों, जैसे केंद्र में इनके पास कह लीजिए कि कानूनी मामले का पूर्ण अधिकार होता है। हम बताएंगे इसके बारे में, आप चिंता ना करें, हम इस पर एक वीडियो लाएंगे अटॉर्नी जनरल पे। कानूनी मामले का पूर्ण अधिकार जिस पे होता है केंद्र में, जिस तरह या फिर कहा जाता है कि जो वरिष्ठ वकील होते हैं हमारे भारत के, उन्हें अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह राज्य में होते हैं महाधिवक्ता होते हैं केंद्र, मतलब कि राज्य के होते हैं, या राज्य स्तर पर जिस तरह केंद्र स्तर पर अटॉर्नी जनरल काम करते हैं उसी तरह राज्य स्तर पर महाधिवक्ता कार्य करते हैं दोस्तों। यह विधि सलाहकार भी बोला जाता है। इनकी सारी अच्छी तरीके से हम इनकी प्रणाली बताएंगे आपको, चाहे महाधिवक्ता की बता देंगे चाहे अटॉर्नी जनरल की, दोनों में से किसी एक का बताएंगे आप दोनों समझ जाओगे, ठीक है ना। और ये चीज़ याद रखेंगे, ये विधि सलाहकार होते हैं, महाधिवक्ता राज्य स्तर पर होते हैं, अटॉर्नी जनरल केंद्र स्तर पर होते हैं। अब कोई चीज़ें तो नहीं छूट रही हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते चलें। इसके बाद अगर राज्यपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल से हम स्टार्ट करते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का हेड होते हैं दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, सेम उसी तरह सारे काम हमारे राज्यपाल करते हैं राज्य स्तर पर, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं इन दोनों में, ये मतलब डिफरेंस होते हैं कुछ, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। मामूली सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे इसी वक्त, क्योंकि राज्यपाल की बात चल रही है तो पूरा इसी जगह ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राज्यपाल होते हैं वह तो कैसे हेड होते हैं, वह संवैधानिक हेड होते हैं, संवैधानिक, ये चीज़ याद रखेंगे। यह वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, आपको NCQ में आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता है राज्य में संवैधानिक हेड किसे बोला जाता है या फिर कौन होता है, या फिर वास्तविक ना कहकर वहाँ पे बोल दे बस राज्य में हेड कौन होता है, सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है, तो बताएंगे तुरंत आप, राज्यपाल की होती है। लेकिन उसी जगह अगर एक वर्ड लगा दे, बोल दे वास्तविक हेड किसके पास होता है राज्यों में, तो हमारे CM बाबा, जैसे कि UP में योगी बाबा हैं, तो बता देंगे CM बाबा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेद की तरफ, आप ध्यान से सारी बातें सुनते चलेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो रही है, भगवान उनकी भला करें, प्रभु महादेव उनकी भला करें भैया, वह ठीक है, चलिए उनसे बोल दीजिए कि सर आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, जो लोग क्लास नहीं देखते हैं, कि वह किसी तरह पास हो जाए, है ना। देखिए अनुच्छेद 152 जो है दोस्तों, यह हमारे राज्यों में एक पद की निर्धारण करता है। यह बोलता है कि हर एक राज्य में एक संवैधानिक पोस्ट होगा, वो भी किसका होगा, तो बता देंगे राज्यपाल का होगा। एक संवैधानिक पोस्ट होगा 152 के थ्रू, अनुच्छेद 152 के थ्रू एक संवैधानिक पोस्ट होगा, जिसे हम कहेंगे राज्यपाल, हर एक राज्य का होगा, भारत के हर एक राज्य का एक राज्यपाल
नियुक्त होगा, ठीक है। एक से एक या दो से ज़्यादा भी नियुक्त होते हैं, अगले अनुच्छेद में बात करते हैं। यह आप अनुच्छेद सिर्फ इतना ही इसमें याद रखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 153 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखेंगे। इसमें बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे यहाँ पे, तो आप धैर्य बनाकर पढ़ाई करते चलिए। अनुच्छेद 153 में साफ साफ यह बात लिखी गई है, जैसे कि इसमें सिर्फ पद की बात किया गया है और इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 153 में एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे टर्म और कंडीशन होते हैं, बहुत सारे टर्म और कंडीशन हो जाते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए, जैसे हम बात करें अभी गोवा, इस समय फिलहाल में बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। तो यह देखिए, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल गया कि गोवा और महाराष्ट्र के सेम राज्यपाल हैं। इसी तरह सेम अगर बात करें यूपी और एमपी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम राज्यपाल हैं, जिनका नाम क्या है भैया, आप बता देंगे क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्योंकि एक तरह से हमको संवैधानिक पोस्ट दोस्तों, यह निर्णय केवल और केवल राष्ट्रपति लेता है, और राष्ट्रपति भी खुद से नहीं लेता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे लेता है कि किस राज्य का किस यानी कौन राज्यपाल होगा, कौन से राज्यपाल दो राज्यों के होंगे, ये सारे निर्णय हमारे मंत्रिपरिषद लेता है। और मंत्रिपरिषद केंद्र वाला दोस्तों, केंद्र की मंत्रिपरिषद जो लेती है उसी के अनुसार हमारे राष्ट्रपति सारे राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। किसी कारणवश जैसे कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो लालजी टंडन थे, तो उनका आकस्मिक तरीके से निधन हो जाता है, तो इस पोस्ट को तुरंत पूरा करना अनिवार्य हो जाता है, है ना। किसी भी संवैधानिक पोस्ट जब खाली होती है तो वह उस पर तुरंत जैसे राष्ट्रपति का है तो 6 महीने के अंदर फुलफिल कर लिया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी होता है, तुरंत हमको राज्यपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। तो वहाँ पे कल ये कार्यवाहक तरीके से एक अन्य राज्य का जो उससे सटे राज्य होते हैं या फिर जहाँ पे दिक्कतें बहुत कम होती हैं, उस राज्य का राज्यपाल जो होता है, दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, दो राज्यों का उसी राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद एक कंडीशन आ जाता है, सर जो इनका सैलरी होता है आनंदीबेन पटेल का या फिर जिस राज्यपाल का, तो वो तो राज्यपाल की जो सैलरी होती है वो तीन लाख पचास हज़ार होती है। तो क्या जब ये दोनों राज्य की बन जाएंगे तो क्या दोनों राज्य में तीन लाख पचास हज़ार पाएंगे? मतलब तब तो बहुत अच्छा है, तब तो हम भैया राज्यपाल बनाएंगे, मतलब यह तीन राज्य की राज्यपाल बनेंगे। फिर 3,50,000 + 3,50,000 = 9,10,50,000 हो जाएगा इनका सैलरी। तो इस तरह 6 राज्य की बन जाएं 10 राज्य की बन जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता बेटा, ये चीज़ याद रखिए। इनका जो फीस होता है, इनका जो मंथली इनकम होता है, मतलब कि इनका मंथली जो फीस होता है, इनका सैलरी जो होता है वो इतना ही रहता है, लेकिन राष्ट्रपति तय करता है कि इनको किस राज्य में ज़्यादा वर्क हैं, जिस राज्य में ज़्यादा वर्क होंगे उस राज्य में इसका या फिर कह लीजिए आधे आधे बांट दिया जाता है, लगभग आधा आधा दोनों राज्यों से इनकी सैलरी होती है, आधे आधे को जोड़कर 3,50,000 इनकी सैलरी बनाकर इनको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, इनको पूरे के पूरे 3,50,000 नहीं दिए जाते हैं, किसी भी राज्यपाल को 3,50,000 नहीं दिए जाते हैं, उनके सैलरी पर 30% की कटौती करके उनको दिया जाता है, यानी कि 2,45,000 रुपये इनको सैलरी के तौर पर मंथली दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए और हमारे उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए दिया जाता है, उसी तरह हमारे राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनको 3,50,000 सैलरी दी जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे, यह आप नहीं लिखेंगे, आप यह लिखेंगे हमेशा, यह तो हमने आपको बता दिया एक ज्ञान के तौर पे, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे यह वाली उनकी सैलरी होती है 3,50,000, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमने बात कर लिया शक्ति, एक मिनट, 153 की बात कर ली हमने, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 154 की तरफ, 154 में शक्ति की बात की गई है।
हर एक राज्य का, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने पढ़ा था, विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति, नियुक्ति की शक्ति और वित्तीय शक्ति, ठीक है ना, क्षमादान की शक्ति और उनके स्वविवेक की शक्ति, ये सब हमने शक्तियाँ देखे थे राष्ट्रपति के बारे में। जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी आग्रह है भैया कि आप लोग देखें। अब यहाँ पे 154 के थ्रू हम लोग यह देखेंगे कि इनकी शक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आप ये याद कर लेंगे, अनुच्छेद नंबर 14 में साफ साफ लिखा है कि हमारे जैसे कि राज्यपाल हैं उनकी शक्ति क्या क्या होगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब इस प्रावधान में क्या क्या बोला गया है 154 के थ्रू, उसको ध्यान से आप सुनते चलेंगे, कॉपी पे नोट करते चलेंगे। पहला चीज, पहला बोला गया है कार्यपालिका या फिर कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी या फिर कार्यपालिका शक्ति लिख लेंगे, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पहला अगर देखें तो नियुक्ति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं पीएम का और अनेक हमारे कार्यकर्ताओं का जो संवैधानिक पोस्ट हैं, अनेक जैसे कि हमारे चुनाव आयोग हो गया, हमारा कह लीजिए कि हमारा उच्चतम न्यायाधीश हो गए, इन सब के अटॉर्नी जनरल हो गए, तो इन सब की नियुक्ति जो करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, उसी तरह राज्यों में जो नियुक्ति होती है जैसे कि सीएम की यानी कि चीफ मिनिस्टर मतलब कि इनकी नियुक्ति, इनको शपथ दिलाने का काम हमारे राज्यपाल करते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे भैया, बहुत ही धैर्य बना के पढ़िए। और वित्तीय यानी कि वित्त मामले में जो वित्त आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। इसके बाद भैया अगर हम बात करें राज्य चुनाव आयोग जैसे केंद्र में चुनाव आयोग होते हैं उसी तरह राज्यों में भी चुनाव आयोग होते हैं, जो राज्यों के चुनाव को देखते हैं, जो हमारे पंचायती चुनाव होते हैं उसको देखते हैं, यह हमारा राज्य का राज्य चुनाव का कार्य होता है। तो उसी तरह राज्य का राज्य चुनाव की भी नियुक्ति हमारे हमारे राज्यपाल के हाथों में होता है। इसके बाद भैया अगर हम बात करें लोक सेवा मतलब कि PCS, जो हमारे PCS हो गए, जो हमारे UPSC जैसे होते हैं, जैसे UPSC हो गए, PCS, इन सब DM वगैरह होते हैं, PCS, IAS और IFS, यह होता है 3 पोस्ट, तो इनकी जो शपथ दिलाने के काम होता है हमारे नियुक्ति का काम होता है हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति का काम हमारे कह लीजिए कि हमारे राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल के हाथों में होता है। इसके बाद जिला जज याद रखेंगे, जिला जज अगर आपसे पूछा जाता है, हाईकोर्ट के जज होते हैं क्योंकि हाईकोर्ट राज्य स्तर पर होता है, अगर पूछ लिया जाता है कि हाईकोर्ट जज की नियुक्ति कौन कराता है, तो अधिकतर बच्चे लगा के आते हैं क्या पता क्या है, राज्यपाल लगा के आते हैं। तो आप यहाँ से इस चीज़ सीखेंगे भैया, राज्यपाल नहीं, इनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की भी नियुक्ति जो उच्चतम न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जिला जज की नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं, जिला जज की नियुक्ति। इतनी बातें नियुक्ति में आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कि अगर बोला जाता है आपसे, इसके बाद याद रखिएगा विधायी शक्ति। सर विधायी शक्ति में क्या आता है, हमारे प्रिय मित्रों, हमारे साथियों, हमारे रसगुल्लों, आप लोग ध्यान से सुनिए और सारे नोट्स बनाते चलिए। हमारे रसगुल्लों आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे शेर और शेरनियों, देखें इसमें क्या होगा विधायी शक्ति में भैया, तो आप लिखेंगे ध्यान से, विधानसभा में जो विधानसभा, क्योंकि हर एक राज्य के विधानसभा सीट अलग अलग होती है, जैसे बात करें 230 हमारा हो जाता है, 230 हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश का, अगर 404 की बात करें तो हो जाता है हमारे यूपी का, अगर विधान परिषद के बाद विधानसभा के बाद विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद की जो सीट होती है हमारे राज्यों में वह 100, हमारे यूपी राज्य में वह 100 है। तो इस तरह बहुत सारी सीटें हैं, सारे सीटों के लिए हर एक राज्यपाल होता है हर एक राज्य में, उसी तरह विधानसभा में हर एक राज्य का राज्यपाल जो होता है भैया, 1/6 सदस्य की नियुक्ति करता है, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये बात आप याद रखेंगे, यानी कि मनोनय के आधार पर, किस आधार पर, मनोनय के आधार पर राज्यपाल इसे नियुक्ति करता है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए लोकसभा में राष्ट्रपति कितने को अपने स्वविवेक के अनुसार लाता है, तो बोलेंगे 2 को लाता है, राज्यसभा में अगर बोला जाए तो बता देंगे आप कितने को लाता है, तो बता देंगे 12 को लाता है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यह पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति होता है संसद में, संसद की, इस बार राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं करेगा, इस बार डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि संसद में कितने लोगों की नियुक्ति या फिर कितने लोगों को राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार या फिर अनेक फील्ड में, जैसे कि आपके समाज सेवा हो गया,
खेल हो गया, संगीत हो गया और अनेक जो रचनात्मक फील्ड होते हैं, उससे जो है कि राष्ट्रपति जो है कितने लोगों को हमारे संसद में नियुक्त करता है, तो बता देंगे भैया वह केवल 14 लोगों को नियुक्त करता है इस समय, क्योंकि संसद के अंदर लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, इस वजह से 12+2 हो जाएगा भैया, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ से बातें। अब हम चलते हैं वित्तीय शक्ति के बारे में, इनकी बात कर लेते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते चलिए। राज्यपाल की अगर वित्तीय शक्ति की बात करें, वित्तीय शक्ति तो याद रखिएगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास था, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के पास होगा। कोई धन विधेयक अगर विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है तो उससे पूर्व ही हमारे राज्यपाल का सिग्नेचर करवाना अनिवार्य होता है। यह हो गई विधायी शक्ति हमारे राज्यपाल की, ठीक है भैया। जैसे केंद्र में होता था ना, ये जो धन विधेयक होता था केंद्र वाला, वह पहले जाता था लोकसभा में, लोकसभा से फिर 14 दिन की अनुशंसा पे राज्यपाल, मतलब कि वहाँ पे जाता था राज्य में, राज्य अगर उसे 14 दिन के अंदर पारित कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं पारित करता है तो पारित मान लिया जाता है। लेकिन धन विधेयक लोकसभा में जाने से पहले हमारे राष्ट्रपति का साइन करना अनिवार्य होता था, है ना, इस बात को हमने बताया है। और धन विधेयक कहना केवल और केवल हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ में होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब ओम बिरला नहीं, जितने भी आए रहते हैं, जो भी इस समय तो ओम बिरला हैं फिलहाल में, तो उनके हाथ में है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। वित्तीय शक्ति हो गया, वित्तीय शक्ति के बाद भैया न्यायिक शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे हेडिंग डाल के लिख लें, न्यायिक शक्ति। सारे अनुच्छेद नंबर 154 के थ्रू हैं। न्यायिक शक्ति में क्या होता है सर, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति मिली थी, वो क्या काम करता था, अनुच्छेद नंबर 72 के थ्रू किसी भी अपराधी के अपराध को माफ़ कर सकता था, उसकी सजा को कम कर सकता था, उसकी सजा को ख़त्म कर सकता था, उसकी फांसी की सजा को टाल सकता था, उसकी फांसी की सजा को माफ़ कर सकता था। कोई गर्भवती महिला है तो उसको जो है उसकी सजा, अगर गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक उसको कलिए एक अच्छे जगह पर रखने की सुविधा करता था, या फिर उसकी सजा को माफ़ भी कर सकता था, कम भी कर सकता था, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। या फिर एक चीज और होता है, ये सारी चीज़ें राज्य, जो अभी तक बोला हमने, वो सारी चीज़ें राज्य में राज्यपाल भी करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु की सजा को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्य में राज्यपाल यही काम नहीं कर सकता है। किसी भी मृत्यु की सजा को सिर्फ और सिर्फ माफ़ करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होता है, न कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास होता है। बस इसी जगह से थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ में, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। और हमारे प्यारे मित्रों, आप अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करिए, अगर लगता है आपको कि सर को सारी बातें लिखनी चाहिए तो पता है ये वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी, ये वीडियो आपको 4 घंटे देखने पड़ेंगे। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रिय मित्र 4 घंटे देखें, क्योंकि सारे लोग नहीं देखेंगे भैया, जो डेडिकेट ज़्यादा होंगे वही 4 घंटे टिक पाएंगे, है ना, तो आपका आधा घंटे से ऊपर जाता है तभी आप लोग हल्ला हल्ला करने लगते हैं, या नहीं देखते हैं कि आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा अमृत यही है। एक बार घोल कर अगर पी जाएंगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए इसका स्वाद आएगा बेटा, तो एक बार आप अच्छे से पी जाइए, इसे घोल के पी जाइए, 10 बार देखिए, हम तो कहते हैं आप इसे 3 से 4 बार देखिए वीडियो को, शेयर करिए दबा के, जिन छात्र के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं यह सोचकर कि हम जब नौकरी पाएंगे तो हमारे माँ बाप किस कदर हमें खुशियों के नज़र से देखेंगे, तो इस बात को सोचकर आप हमेशा पढ़ा करिए। किसी भी मोटिवेशन के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो आपका जीवन सफल होना तय है भैया, तो इस कदर पढ़ाई करिए। अब हम चलते हैं, न्यायिक शक्ति हो गया, ये सारी बातें हो गई, एक मिनट हम वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 155 के थ्रू पे आ जाते हैं भैया ना, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट सिर्फ। हाँ मित्रों, तो देखिए हम अनुच्छेद नंबर 155 की अब बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 155 में सबसे पहले आप यह याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 55 में साफ साफ यह लिखा है कि हमारे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, हमारे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में पांच नियुक्ति 5 साल की होती है, 5 साल के लिए होती है, मतलब कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, तो नियुक्ति सबसे कार्यकाल के पहले इनकी नियुक्ति की बात होगी, इनके नियुक्ति की बात होगी, कौन नियुक्ति कराता है, किसकी सलाह पे करते हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी। तो पांच पांच थोड़ा सा रट लेंगे ना,
नहीं तो लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे इसका बहुत शानदार तरीके से। देखिए नियुक्ति में, नियुक्ति कैसे होता है सर, तो याद रखेंगे जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है ये नियुक्ति तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी अपने मन से नहीं करते हैं, अपने स्व विवेक से नहीं करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। याद रखेंगे मंत्रिपरिषद, जो केंद्र वाला मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। बहुत बार हमको यह देखने को मिल जाता है, कि किसी राज्य में, जैसे कि हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, लेकिन वहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के हैं। राज्यपाल, आपको बताया था हम स्टार्टिंग में ही, राज्यपाल केंद्र की जो सत्ता होती है उसका डायरेक्टली नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल केंद्र का नेतृत्व करते हैं हर एक राज्य में, यह बात हमने आपको बताया था। जैसे कि कभी कभी हमको यह देखने को मिल जाता है कि राज्य में तो पार्टी अलग है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं वो हमारे केंद्र की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे विवाद भी हमको देखने को मिल जाते हैं, झड़प देखने को मिल जाते हैं। अभी आपको पता होगा एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए राज्य सीएम चुने गए थे, हमारे रिकॉर्ड बन गया है हमारा कलेजे की महाराष्ट्र में ही, तो बहुत बड़ी कलेजे की दुर्व्यवस्था होने वाली थी। और उस समय रातों रात जो है वहाँ के जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, वह जो है रातों रात राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दिए थे, है ना। तो यह बारी, क्योंकि रात में नहीं होना चाहिए, यह भी कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन है, हम आपको बताएंगे जब हम आएंगे अनुच्छेद वगैरह पे, है ना, डायरेक्ट तो हम बताएंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं कि राज्यपाल मतलब कब जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, कब नहीं लगा सकता है, कब इसे पारित कर सकता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। दुर्व्यवस्था कब कैसे घटती है, क्या क्या कारण होते हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे। बस आप इतना याद रखेंगे कि जो राज्यों में होता है, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो अनुच्छेद नंबर 155 के थ्रू होती है। राष्ट्रपति नियुक्ति कराते हैं और शपथ की बात इसके बाद हम करेंगे, शपथ में बताएंगे कैसे इनको शपथ दिलाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 156 की। अनुच्छेद नंबर 156 में ये साफ साफ लिखा गया है कि हमारा जो राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। यह बातें लिखी गई हैं हमारे अनुच्छेद नंबर 156 में कि हमारे राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वह 5 साल का होगा। लेकिन आपको लगता है क्या यह सत्य है? पता है आपको यह सत्य नहीं है। 5 साल का तो होता है, 5 साल का तो होता है, लेकिन जैसे कि हम बात करें हमारे किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे लालजी टंडन जी का, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु हो गई और 2 साल बाद हुई। जैसे कि बीजेपी 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आती है। जब इसका 2 साल ख़त्म हो गया, तब जाकर तुरंत हमारे जो यहाँ पे एमपी में जो राज्यपाल थे उनका देहांत हो जाता है, और अब तो 2 साल इनका बीत चुका था। अब जो राज्यपाल आएगा मात्र और मात्र 3 साल के लिए, हो सकता है कि अगर यह पार्टी आगे भी जीतती है तो यह 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लें, ठीक है, 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लें। लेकिन अगर यह पार्टी 3 साल बाद, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है, 2 साल तो पहले भी बिता चुके थे हमारे लालजी टंडन के साथ यह पार्टी, जब यही पार्टी के बाद, लालजी टंडन के बाद 3 साल के लिए हमारी आनंदीबेन अगर चुनी जाती हैं वहाँ पे, तो 5 साल उनका कार्यकाल तभी पूरा होगा जब यह पार्टी फिर से चुन के आएगी, है ना। क्योंकि 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होना अनिवार्य है, होता ही है हमारे हमारे लोकतंत्र में, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक विवाद का कारण बनता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि यह जो राज्यपाल हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, यह तो जाहिर सी बात है, इनकी जो कार्यकाल है 5 साल के लिए होता है, यह बात आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कितना कार्यकाल होता है तो 5 साल ही लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो हमारे राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पे होते हैं, प्रयत्न पद पर होते हैं, यह बात भी याद रखेंगे। जैसे कि अगर ऑप्शन में आ जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, 3 साल के लिए होते हैं, तो आप 5 साल लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको नंबर नहीं मिलता है, ऐसे कुछ वर्ड मिल जाते हैं, प्रसाद प्रयत्न पे रहते हैं, तो आप प्रसाद प्रयत्न पे लगाएंगे, यह बात भी याद रखेंगे। हमारे जो पीएम होते हैं ना, वो भी हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर ही रहते हैं, ठीक है, यह चीज़ याद रखेंगे आप। तो यह बात आप यहाँ से सीख गए भैया कि प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं। जैसे कि अगर पार्टी कोई चेंज होती है तो राज्यपाल भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल केंद्र से ही तो भेजा जाता है, केंद्र का ही नेतृत्व करता है ना। तो बस यही सब कारण होते हैं विवाद के, तो आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 157 में और अनुच्छेद नंबर 158 में
यह साफ साफ लिखा गया है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। तो राज्यपाल की योग्यता देख लेते हैं, चार योग्यता हैं उसको लिख लीजिए आप। ये तो जाहिर सी सारे पोस्ट में होता है, चाहे वह हमारे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, सारे के सारे में लगभग लगभग सेम ही होता है योग्यता। देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज के। तो भारत का ये नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात आप लिखेंगे 35 प्लस एक दिन भी होता है, यानी कि लिख लीजिए 35 प्लस एज होनी चाहिए हमारे राज्यपाल का। और लोकसभा है ना, एक मिनट पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, ये लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति का था, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करते रहना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे। कोई भी एनजीओ वगैरह भी अगर इनका चलता है तो एनजीओ वगैरह का अलग प्रावधान है, कुछ उसके अलग कारण हैं, तो उसको हम जब अलग से अनुच्छेद पढ़ेंगे सारे अनुच्छेद एक साथ तो बताया जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और कहा गया है, जो संसद होता है, संसद यानी कि संसद में जो लोकसभा राज्यसभा हो गया, इसके बाद विधानसभा यानी कि विधानमंडल में जैसे कि आपका अगर दो एक ही राज्य में विधानमंडल में विधानसभा भी है, विधान परिषद है, तो दोनों यानी कि संसद में लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यह सदस्य यानी कि अगर संसद की बात करें तो सांसद नहीं होना चाहिए। अगर विधानमंडल की बात करें तो विधायक नहीं होना चाहिए, तब जाके यह भारत के राज्यपाल चुने जाते हैं। लेकिन अगर यह पहले से यहाँ पर इस पोस्ट पर होते हैं सांसद के और विधायक के पोस्ट पे, तो उनको राज्यपाल बनने के बाद यह पोस्ट खाली करना पड़ जाता है। ठीक है, लिख लेंगे इसको। चलिए यह बातें होंगी इनकी योग्यता से रिलेटेड। अब बात करते हैं 159 अनुच्छेद नंबर 159 में शपथ की बात किया गया है, तो लिख लेंगे अनुच्छेद नंबर 159 में साफ साफ यह कहा गया है कि राज्यपाल जो होते हैं, अभी हमने देखा था नियुक्ति की बात, नियुक्ति में तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे थे अनुच्छेद नंबर 155 से, लेकिन अनुच्छेद नंबर 159 से इनके शपथ की बात किया जाता है, क्योंकि आपको पता है राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है, अभी तक 25 हैं, अभी नया बना है हमारा आंध्र प्रदेश में अमरावती में, ये बात याद रखेंगे। तो हाईकोर्ट जो होता है भैया, हाईकोर्ट के जो हेड होते हैं, जो सबसे बड़े जज होते हैं, हाईकोर्ट के जज होते हैं, वह इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि राज्यों में सबसे बड़ी पोस्ट होती है राज्यपाल की, तो राज्यपाल से बड़ा ही कोई होगा जो कि इनको क्या करेगा शपथ दिलाएगा। तो जैसे केंद्र में उच्च न्यायाधीश होते हैं भारत के, हाई सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, उसी तरह राज्यों में हाईकोर्ट के जो जज होते हैं वह शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। और सीएम तो इनके निचले पोस्ट पर होता है, बल्कि यह कह लीजिए जो सीएम होते हैं दोस्तों इनके नीचे पोस्ट होते हैं, और बल्कि यह कहा जा सकता है कि जो सीएम होते हैं सीएम के सारे सलाह पर ही यह काम करते हैं, है ना, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं 159 के थ्रू इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। 161 में आ जाते हैं दोस्तों, क्षमादान की शक्ति की अगर बात करते हैं, तो हमारे राज्यपाल होते हैं इनको क्षमादान की शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के थ्रू होता है, इनको भी होता है, लेकिन ये सारे क्षमादान की शक्ति इनके अंदर वही निहित होती है जो राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। मामूली सा चेंज होता है, सिर्फ यह मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते, इनके हक में या फिर इनके क्षेत्राधिकार में यह बातें नहीं आती हैं, केवल और केवल मृत्युदंड को हमारा राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे कि 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है, उसी तरह 213 के अंतर्गत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद नंबर 333 के अंतर्गत यह कहा गया है, जैसे कि अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में एक जो है एंग्लो इंडियन यह क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, यह अनुच्छेद नंबर 333 में कहा गया है। 332 में यह कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 332 में एक बात आप याद कर लेंगे, यह कहा गया है हर विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है,
यह बात आप याद रखेंगे, जैसे 331, 330, 330 में एंग्लो इंडियन की, सॉरी 330 में लोकसभा में एससी एसटी की बात की गई है और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात की गई है, उसी तरह सेम हमारे विधानसभा में या फिर कह लीजिए विधानमंडल में, हमारा विधानमंडल में भैया कह दीजिए कि एक एंग्लो इंडियन की जो बात की गई है वह 333 में, इसके पहले वाले अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी की बात की गई है। इतनी बातें रही, आपको यह सारी चीज़ें जानना चाहिए। अगर आप इससे परिचित थे तो आपका रिवीजन हो गया, अन्यथा आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, एनईक्यू एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम लेकर आएंगे उपराष्ट्रपति का वीडियो। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और डेली रेगुलरिटी जरूर बनाइए। आगे आपके एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अनेक एग्जाम्स आएंगे, तो आप उस पर थोड़ा सा केंद्रचित हो जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।